सहयोग में आज मलूक दास के कुछ दोहे लेने जा रहे हैं। मलूक दास का जन्म 1574 ईस्वी में हुआ और 1682 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश की धरती पर मलूक दास अपना गीत गाते रहे। कहते हैं मलूक दास, रात न आवे नींदड़ी और थर थर कांपे जीव, विरह का वर्णन कर रहे हैं। संत गोविंद के प्रेम में पड़ जाता है और हमेशा उसकी याद में जीता है, सुमिरन में जीता है, प्रेम में जीता है, लेकिन कभी कभी संसार के कामों में लगे हुए काफ़ी देर के लिए वो सुमिरन से हट जाता है और फिर विरह में पड़ जाता है। इतनी देर हो गई, इतना समय गुजर गया और गोविंद के सुमिरन में मैं नहीं रहा, और फिर एक अपराध बोध से ग्रसित हो जाता है और उसकी विरह की पीड़ा और भड़क जाती है। उसी विरह की दशा का वर्णन कर रहे हैं कि रात न आवे नींदड़ी, अब रात को नींद नहीं आती है, इतना सुमिरन कैसे छूट जाता है, क्योंकि संतों का जो उद्देश्य है वह है सांस सांस सुमिरे गोविंद। अब ये बड़ा मुश्किल काम है कि क्योंकि एक 24 घंटे में 21,600 बार सांस चलती है। अब 21,600 बार सांस चल रही है और हर सांस में उसकी याद हो, यह तो एक असाध्य है, करीब करीब ऐसा उद्देश्य है जो कभी हो ही नहीं सकता पूरा। लेकिन संत है कि जब पूरा नहीं कर पाता है तो एक अपराध बोध से ग्रसित हो जाता है, विरह में पड़ जाता है, एक विरह की वेदना में पड़ जाता है। उसी बात को कह रहे हैं कि रात ना आवे नींदड़ी, सुमिरन जितना चाहिए करना उतना मैं कर नहीं पा रहा हूँ और मुझे रात को नींद नहीं आती है कि मुझसे कैसे चूक हो रही है। जिसके लिए धर्मदास कहते हैं, पिया बिन मोहि नींद ना आवे, प्रियतम अगर साथ नहीं है, प्रियतम की याद अगर साथ नहीं है तो मुझे नींद नहीं आ रही है। खन गरजे खन बिजुरी चमके, ऐसा जैसे कि बरसात में और भी विरह की वेदना बढ़ जाती है,
कई कवियों ने भी वर्णन किया है इसका, तो ऐसे ही कह रहे हैं कि कभी बिजली चमक रही है, कभी बादल गरज रहे हैं और ऊपर से मोहि झांकी दिखावे। और ऐसा नहीं कि प्रेतम कहीं दूर है, उसका दीदार भी हो रहा है, लेकिन ये दीदार करना और बात है, उसका दरस परस करना और बात है, उसका सानिध्य प्राप्त करना और बात है, उसका रिस्पॉन्स प्राप्त करना और बात है, उसी का जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं मलुकदास, रात न आवे नींदड़ी और थर थर कांपे जीव, और मेरा मन थर थर कांप रहा है कि ये मुझसे कैसे हो रहा है कि जितना सुमिरन होना चाहिए हो नहीं पा रहा है, प्रेम कि जिस गहराई में मुझे जीना चाहिए उतना मैं जी नहीं पा रहा हूँ, और जो साँची प्रीत है जो केवल गोविंद से जुड़ करके होनी चाहिए, उसकी जगह संसार में भी मेरा काफ़ी समय जा रहा है। जिसके लिए रज्जब साहब कहते हैं, सुनी सेज बिथा कहूँ कासूँ, मेरी सेज सुनी है, गोविंद मेरा प्रियतम इस सेज पर अभी नहीं है, सुनी सेज बिथा कहूँ कासू। और एक बात याद रखना, गोविंद तो सदा सेज पर है, हमारा मन ही वहाँ से कहीं दूर चला जाता है। सुनी सेज बिथा कहूँ कासू और अबला धरे न धीर, और इस तरह धैर्य धारण करना मुश्किल हो जाता है कि वो घड़ी कब आएगी जब हम प्रियतम का संग साथ, प्रियतम का सानिध्य, गोविंद का सानिध्य सदा सदा के लिए हर सांस सांस में उसको हम महसूस कर पाएंगे। और दादुर मोर पपीहा बोले, कभी मेढक बोलता है, कभी पपीहा बोलता है, कभी मोर नाचता है, और इन सब का जो बोलना है वो और भी मेरे विरह वेदना को भड़का रहा है कि ये सब तो अपने अपने प्रियतम को पुकार रहे हैं, प्रियतम को रिझा रहे हैं, लेकिन वह घड़ी कब आएगी जो सदा सदा हम अपने प्रियतम का सानिध्य महसूस कर पाएंगे। दादुर मोर पपीहा बोले, ते मारत तंतीर सगल सिंगार भार, जो लागे मन भावे कछु नाही। कहते अब मेरे मन को और कोई चीज़ रुचती भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही मेरा मन कहीं संसार में जाता है तुरंत याद आ जाती है कि अरे मेरा मन तो गोविंद से हट गया, और सगल श्रृंगार भार ज्यों लागे, अपने को हम क्या सजाएं, अपना हम क्या श्रृंगार करें, क्योंकि श्रृंगार तो तभी तक ठीक है जब तक कि प्रियतम पास हो, प्रियतम का सानिध्य हो। रज्जब रंग कौन सो कीजे जे पियो नाही माही, अगर घर में प्रियतम नहीं है तो फिर किसके साथ आनंद मनाया जाए। कहते हैं मलुकदास, ना जानूं क्या करेगा जालिम मेरा पियो, विरह वेदना में पड़े हुए हैं और कहते हैं मुझे कुछ भी पता नहीं है प्रियतम आएगा नहीं आएगा, और ऐसा तो नहीं कहीं मुझे ऐसे ही तड़पता छोड़ जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो सांस सांस सुमिरे गोविंद का जो लक्ष्य है वो हमेशा ही मेरा अधूरा ही रह जाएगा, और जो सुमिरन की जो गहराई है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गहराई मुझे कभी भी प्राप्त नहीं होगी। कहते हैं मलुकदास, करे भक्ति भगवंत की और करे कब हूँ नहीं चूक, ऐसी भक्ति करनी चाहिए, चूक उसमें नहीं होनी चाहिए, कि पल भर के लिए गोविंद को बिसारना उचित नहीं है, बल्कि अपने आप को, अपने प्रेम को, अपनी चेतना को उसी में विसर्जित कर देना होता है भक्त को। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, भक्ति का मार्ग झीना रे, बड़ा ये सूक्ष्म मार्ग है, और नहीं अचाह नहीं चाहना, कैसी भक्ति होनी चाहिए, कोई अब चाह नहीं है और त्याग भी नहीं है, क्योंकि अगर त्याग कर रहे हो किसी चीज़ का तो मूल्य दे रहे हो, बस सहज जीवन और चरणन लौ लीना रे, बस एक ही लक्ष्य, त्याग और भोग पर केंद्रित हमारा जीवन नहीं है, भक्त का जीवन त्याग और भोग केंद्रित नहीं है, क्या केंद्रित है, चरणन लौ लीना रे, गोविंद के चरण कमलों से प्रीत लगा करके जीना है, और गोविंद के चरण कमल कहाँ है, ज्ञानी जिसे आत्मा कहते हैं भक्त उसी को गोविंद का चरण कमल कहता है, तो उसी आत्मा में गोविंद का चरण कमल समझ करके उसी से प्रीत जोड़नी है। और साधन के रसधार में रहे निस्दिन भीना रे, और रात दिन ऐसे ही सुमिरन में जीना है। कहते हैं मलुकदास, करे भक्ति भगवंत की और करे कब हूँ नहीं चूक, कभी भी भूल चूक उसकी नहीं होनी चाहिए।
जिसके लिए दुल्हन दास कहते हैं, यह नर देही हाथ न आवे चल तू अपने धाम, और अब की चूक माफ नहीं होगी दुल्हन अचल मुकाम। यह मनुष्यतन बार बार नहीं मिलता है, और अगर इस बार मनुष्यतन पा करके, मनुष्य का जीवन पा करके अगर तुमने सुमिरन नहीं किया, भक्ति नहीं की, अब ये माफ़ नहीं होगी, और कोई ज़रूरी नहीं कि अगली बार फिर मनुष्य का तन तुमको मिलेगा। कहते हैं मलुकदास, हरिरस में राचूर है, ये जिंदगी भक्त की जिंदगी है। रात दिन राम रस का पान करते रहो, और जब कहते हैं हरिरस राम रस, तो मतलब ओंकार तत्व से जो अनाहत नाद गूंज रहा है, जो प्रकाश फैला हुआ है भीतर, और जो पूरा जो आकाश है वो गोविंद ही है, बस उसी में लौ लगाना है, उसी से प्रीत जोड़नी है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, यह मन सुंदर आपना हर नाम मजीठे रंगरी, अपने मन को समझा रहे हैं, अरे मेरे प्यारे मन, तू बड़ा सुंदर है, तू बड़ा प्यारा है, देखो कैसे अपने मन को फुसला रहे हैं। कहते तू बड़ा सुंदर है, लेकिन एक बात और करो ना, अपने को हरि नाम से रंग लो, हरि के प्रेम से अपने आप को रंग लो, तो तू और सुंदर हो जाएगा। त्याग सियाणप चातुरी, ये जो सयानापन है, ये जो चतुराई है, ये बस इसको छोड़ो, इसमें कुछ रखा नहीं है। तू जान गोपाल संगरी, तू रात दिन गोपाल को, गोविंद को अपने साथ जानो, उसका सानिध्य महसूस करते रहो। भरता कहे सो मानिए यह श्रृंगार बढ़ाई रे, एक नारी का श्रृंगार क्या है, जो पति कहे उसको माने, ठीक है, पति को राजी रखे, ऐसे ही तुम्हारा पति तो गोविंद है, बस गोविंद को राजी रखो। और दूजा भाव विसार ये तंबोला खाई रे, बड़ी सुंदर उपमा दे रहे हैं, प्रतीक है। पुराने जमाने जब लोग संकल्प लेते थे तो पान का बीड़ा खाते थे कि मैंने संकल्प लिया, कह बस तू भी एक संकल्प ले ले कि अब द्वैत भाव, दूसरा भाव नहीं, केवल गोविंद के भाव में रहना है, गोविंद की याद में रहना है, गोविंद के प्रेम में रहना है। कहते हैं मलुक दास कि हरिरस मेरा चौर है सांची भक्ति मलुक। मलुक दास कहते हैं सच्ची भक्ति क्या है, बस केवल गोविंद रस में राचे रहो, कोई विषय रस की ओर ध्यान नहीं जाए, संसार में रस नहीं रह जाए, केवल दिन रात बस गोविंद के प्रेम में डूबे रहो, यही सच्ची भक्ति है। और गोविंद के अनुसार अपने आप को ढालो, अपने अनुसार अपने प्रेमी को ढालने की चेष्टा मत करो। जिसके लिए दुल्हन दास कहते हैं, पढ़े हूँ न सत्य नाम दोई अक्षर सिखहु सो सकल सयाना। ये जो सारी शिक्षा है बाहर की, ये हमें चालाकी सिखाती है, उसकी जगह असली बात है कि ओंकार तत्व का ज्ञान हो, ये सत्य नाम को जान लेना, ये असली शिक्षा है। सांची प्रीत हृदय बिन उपजे कहूँ री झत भगवाना, ये ग्रंथ पढ़ने से, ये जो धर्मशास्त्र हैं उनको पढ़ने से कहीं परमात्मा रिझता है, परमात्मा तो रिश्ता है सांची प्रीत से, प्रेम से परमात्मा रिश्ता है। कहते हैं मलुकदास, मलुक सोमा सुंदरी जहाँ भक्त अवतार। कौन सुंदर है, ऐसी कौन माँ धन्य है जो ऐसा पुत्र पैदा करे जो हरि के सुमिरन में जिए। जिसका पुत्र भक्त है वही माँ माँ कहलाने लायक है, वही माँ सुंदरी कहलाने लायक है। जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पुत्रवती जुवती जग सोई राम भगत जाकर सुत हुई। सब माएँ पुत्रवती नहीं होती हैं, बच्चे पैदा करने से कोई माँ नहीं होता, कोई पुत्रवती नहीं होता। पुत्रवती कौन है, जिसका पुत्र राम भक्त हो, जिसका पुत्र राम की भक्ति में, गोविंद की भक्ति में जीता हो। कहते हैं मलुकदास, और सकल बांझे भाई, जिसका पुत्र अगर राम भक्त नहीं हुआ तो फिर वो बच्चे रहते हुए भी वो बांझ की तरह है। जिसके लिए राम गुरु रामदास जी कहते हैं, धन धन पिता धन धन कुल धन धन सुजननी जिन गुरु जनिया माई। कहते वो पिता धन्य है, वह कुल धन्य है, वह माता धन्य है, जिसका पुत्र सदगुरु बनता है, जिसका पुत्र भक्त बनता है। और धन धन गुरु जिन्हें नाम आराधिया, और वह सदगुरु धन्य है जो नाम की आराधना में जीता है। आप इतरिया जिन्हें दिठा तिना लय छड़ाई, आप भी तरता है और जिस पर उसकी दृष्टि जाती है उसको भी तार देता है। कहते हैं मलुकदास, और सकल बांझे भाई जन्मे खर कतवार। बाकी सब तो पुत बच्चे होते हुए भी वो बांझ है, क्योंकि ऐसी घास फूस पैदा कर देने से तो कोई माँ नहीं हो जाता है।
जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशु आ तैसा नरा। अगर राम नाम को हृदय में नहीं धारण करते हो तो पशु में और मनुष्य में भेद क्या है। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उसे नाम तत्व का भेद जानो, नाम तत्व के सुमिरन में जियो, यही सहज योग है। हरिओम तत्सत। मित्रों नमस्कार, ओषोधारा के 6 दिवसीय कार्यक्रम ध्यान समाधि में आइए और परमात्मा के ओमकार स्वरूप को स्वयं के भीतर पहचानिए। प्रभु को जानने का सरलतम उपाय है ध्यान समाधि। विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क करें 9671400196 अथवा 9671400193। क्या आपको याद है कभी हरी घास पर नंगे पांव चलना, जाड़े की ठंडी ठंडी रातों में आग तापना, वन्य जीवों को खोजते हुए घूमना, बचपन में आह्लादित होकर कोयल की कुहू कुहू सुनना? यदि इन सारे अनुभवों को आप फिर से सदा के लिए जीना चाहते हैं तो आपके लिए ओशो धारा प्रस्तुत करती है उमंग प्रज्ञा, एक त्रिदिवसीय अनूठा कार्यक्रम जिसके बाद आप अनायास ही गा उठेंगे, क्या उमंग है, क्या तरंग है, ये जिंदगी है क्या, एक उड़ती पतंग है। ओशो धारा के समाधि कार्यक्रम सहज योग पर 6-6 दिनों के 14 समाधि कार्यक्रम, नाद नूर एवं परमात्मा के अन्य विविध आयामों द्वारा 84 दिनों में 84 लाख योनियों से मुक्ति। परंतु कैसे, आइए जानिए ओशो धारा के समाधि कार्यक्रमों के द्वारा।